नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। कृषि बिल के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया है। विभिन्न संगठनों के द्वारा इस भारत बंद को बुलाया गया है, जिसमें आपको बता दें कि विपक्षी दलों के नेता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिहार में भी इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच जदयू के नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने एक बड़ा हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने महागठबंधन दल के नेता जो है तेजस्वी यादव, उनको खत लिखा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव को खत लिखा है नीरज कुमार ने। क्या कुछ खत में लिखा है वो भी आपको बताते हैं। बिल्कुल, तो नीरज कुमार ने जो ये खत लिखा है उसमें वो तेजस्वी यादव को प्रण दिलवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस खत के द्वारा नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव को इस तरह से प्रण लेना चाहिए। उन्होंने लिखा है, उम्मीद है कि आज दिनांक 8/12/2020 को तथा कथित भारत बंद के दिन महागठबंधन के सहयोगी दल के नेता प्रण लेंगे। हम प्रण करते हैं कि विधानसभा चुनाव 2020 में चुनावी हार के बाद बंद के दौरान सड़क, बाजार और रेलवे ट्रैक पर अराजकता फैलाकर चुनावी हार का प्रतिशोध लेंगे। तो नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को इस तरह से प्रण लेने के लिए कहा है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि हम प्रण करते हैं कि 1990 से 2005 के बीच लालूवाद विचारधारा के तहत भोजपुर, गया, जहानाबाद, अरवल, रोहतास के जैसे अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में नरसंहार के दौर के बाद नवंबर 2005 में जब सामाजिक सद्भाव के दौर को खत्म कर बंद के दौरान लाठी, डंडा और पत्थरबाजी करने के लिए प्रेरक बनूंगा। तो तंज भरे लहजे में उन्होंने ये प्रण लिखा है, जो कि तेजस्वी यादव को कहा है कि आप इस तरह से ही प्रण लीजिएगा। उसके बाद तीसरा उन्होंने लिखा है, हम प्रण करते हैं कि पटना, गोपालगंज, दरभंगा, पूर्वी चंपारण जैसे अन्य जिलों के किसान आज बंद के दौरान मिलेंगे तो खाता बही लूटकर जमीन लालू परिवार के नाम से करवाने के लिए सलाह और सहयोग करूंगा। तो लगातार नीरज कुमार जो है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव पर हमलावर है। इस बीच उन्होंने आज जब पूरा भारत बंद बुलाया गया है और राजद भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, तब उन्होंने इस तरह का खत लिखा है और खत में बताया है कि तेजस्वी यादव आज के दिन प्रण कैसे लेंगे। उसके बाद चौथा उन्होंने लिखा है, हम प्रण करते हैं कि जैसे लालूवाद विचारधारा के तहत नौकरी लो, जमीन दो अभियान के तहत किसान को रेलवे का कूली बना दिया गया, वैसे ही दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सामान्य समुदाय के वैसे किसान जिनके पास केवल बांस की जमीन अथवा मकान है, भारत बंद के दौरान सहयोग करने पर लालू परिवार को दान में देने को तैयार होंगे। उनके भविष्य में पूर्णतः भूमिहीन एवं मकान विहीन करूंगा। तो नीरज कुमार ने इस तरह की बातें लिखी है, जो कि तेजस्वी यादव को कहा है उन्होंने कि आप इसी तरह से प्रण लीजिएगा, जिस तरह से उन्होंने इसमें इस खत में जो बातें मेंशन की हैं उस तरह से तेजस्वी यादव को आज के दिन प्रण लेने के लिए कहा है। तो लगातार नीरज कुमार जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर हमलावर है। पिछले दिनों भी जब तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, फिर उनके और उनके महागठबंधन के 18 प्रमुख नेताओं पर जब FIR दर्ज हुआ था, तब जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चैलेंज किया था कि आप मुझे गिरफ्तार करके दिखाइए, तो नीरज कुमार ने नीतीश कुमार का साइड लेते हुए पलटवार किया था और कहा था कि तेजस्वी यादव को जेल तो जाना ही पड़ेगा, गिरफ्तारी तो जरूर होगी। उसके बाद एक बार फिर जब आज कृषि बिल के विरोध में तेजस्वी यादव बंद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, राजद के तमाम कार्यकर्ता, विपक्षी दल के तमाम कार्यकर्ता जब इस भारत बंद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे, कृषि बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, पटना की सड़कों पर बिहार के तमाम जिलों से ऐसी खबरें आई हैं, तब नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा प्रहार किया है और इस तरह की बातें लिखी है। एक खत लिख करके नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से इस तरह से प्रण लेने को कहा है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।